आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। त्रेता युग के अंत और द्वापर के प्रारंभ काल में अत्यंत पापी कंस उत्पन्न हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके बेटे कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदवंशी सरदार से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ा प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस अपने बहनोई वसुदेव को जान से मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। काल कोठरी में ही देवकी के गर्भ से 7 बच्चे हुए, लेकिन कंस ने उन्हें पैदा होते ही मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल के नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया।